learners, I am Vinita Pant from Department of Psychology, Uttarakhand Open University. And आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, जो कि एमए सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट है जिसमें आपका प्रैक्टिकल भी है. तो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, जिसको पूर्वलक्षी अवरोध बोला जाता है हिंदी में, इसको शॉर्ट में RI से दिखाया जाता है. और ये जो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन है, इसको पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि ये मेमोरी और फॉरगेटिंग क्या है, क्योंकि रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन जो है वो फॉरगेटिंग से जुड़ा हुआ है, यानी विस्मरण से जुड़ा हुआ है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉरगेटिंग क्या है, और फॉरगेटिंग के साथ में हमें मेमोरी यानी स्मृति के विषय में भी पता होना चाहिए. तो अगर सामान्य शब्दों में हम बात करें कि मेमोरी क्या है, तो हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं, जो भी हमने सीखे होते हैं, उनको संचित रखने की जो क्षमता होती है हमारी, उसको हम मेमोरी या स्मृति कहते हैं सामान्य अर्थों में. और मेमोरी जो होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो एस्पेक्ट माने जाते हैं. पॉजिटिव एस्पेक्ट मतलब है कि यदि आपको कोई चीज़ रिकॉल करनी है, किसी चीज़ का आपको प्रत्यावहन करना है, तो आप उसको याद कर ले रहे हैं, वो आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है. लेकिन वहीं अगर आप चीज़ों को भूल जा रहे हैं, या जिस चीज़ को आपको प्रत्यावहन करना है उसको आप प्रत्यावहन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मेमोरी का नेगेटिव एस्पेक्ट है, और उसी को हम बोलते हैं फॉरगेटिंग, जो कि मेमोरी का नेगेटिव एस्पेक्ट माना जाता है. अब मेमोरी जब बनती है, तब जब हम स्मृति बनाते हैं किसी चीज की, तो उसमें तीन प्रक्रियाएं होती हैं. एक तो उसमें एनकोडिंग होती है, दूसरा उसमें स्टोरेज होता है, और तीसरा उसमें रिट्राइवल होता है. तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम एनकोडिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, उसके बाद हम उसको स्टोरेज करते हैं, और स्टोरेज के बाद रिट्राइवल करते हैं, और यही रिट्राइवल में जब फेलियर होता है, तो इसी को हम फॉरगेटिंग से जोड़कर देखते हैं. अब ये रिट्राइवल में फेलियर क्यों होता है, उसके बहुत सारे चीज़ें तरीके होते हैं, बहुत सारे मतलब उसके कारण होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे. अब विस्मरण क्या है, स्मृति तो हमने देख ली, विस्मरण क्या है, जब हम अपने पूर्वानुभवों को, जब हमें रिकॉल करना होता है, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर हम अपने पूर्व अनुभवों के जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं उनको खो देते हैं किसी कारणवश, तो उसको हम विस्मरण की संज्ञा देते हैं. अभी जो विस्मरण होता है, ये यूजुअली हम दो तरीके का मानते हैं मनोविज्ञान में, कि एक होता है ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग, और दूसरी होती है क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग. ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग में हम मानते हैं कि, जैसा मैंने पहले कहा, कि जब मेमोरी बनती है तो उसके कुछ मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की आप मेमोरी जब क्रिएट करते हैं हम, तो हमारे माइंड में उस मेमोरी के लिए मेमोरी ट्रेस पर्टिकुलर बनता है. अब अगर वो मेमोरी ट्रेस लॉस हो जा रहा है, किसी भी कारणवश वो खो जा रहा है या नष्ट हो जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग. और अगर हमें वो चीज़, हमारा ट्रेस जो है, मेमोरी ट्रेस वो हमारा बना हुआ है, लेकिन हमें उस चीज़ के लिए क्यों नहीं मिल रहा है, जैसे कई बार होता है ना कि हमें कोई चीज़ याद करनी, हम याद कर रहे होते हैं, तो हमें उसके लिए हिंट चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, वो क्यों हमें नहीं मिल रहा होता है, तो उसकी वजह से वो चीज़ हम रिकॉल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्यों डिपेंडेंट फॉरगेटिंग, जो हम लोग अक्सर फेस करते हैं. अब जो फॉरगेटिंग होती है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कई सारे रीजंस के कारण हमें फॉरगेटिंग होती है. जैसे हम इसमें पहला देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ लर्निंग क्या है किसी भी चीज़ की, यानी डिग्री ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जो भी टास्क आप याद कर रहे हैं, वो टास्क आपने कितनी मात्रा में लर्न किया है, उस पर आपने कितने ट्रायल लगाए हैं, कितना एफर्ट लगाया है, कितनी डिग्री से आपने उसको लर्न किया है, वो होती है डिग्री ऑफ लर्निंग. तो जो अध्ययन हुए हैं उनके आधार पर हम देखते हैं कि यदि किसी टास्क की डिग्री ऑफ लर्निंग बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पर रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन कम होता है, या फिर उसका जो फॉरगेटिंग होती है वो कम होती है. दूसरा हम देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ टास्क क्या है, ठीक है. तो लेंथ ऑफ टास्क मतलब है कि जो भी चीज़ आप लर्न कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या है. यूजुअली क्या होता है कि अगर हम किसी लंबे टास्क को, तो लंबे टास्क को याद करने में, उसकी मेमोरी बनाने में समय तो ज़्यादा लगता है छोटे टास्क की अपेक्षा, लेकिन जो अध्ययन हुआ है उनके आधार पर देखा है कि लेंथ ऑफ टास्क अगर बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फॉरगेटिंग कम देखी गई है. अविन घोष ने इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने ऐसा पाया था. ऐसा इसलिए पाया गया क्योंकि जो कोई बड़ा टास्क होता है, तो हम उसको याद करने में, उसकी मेमोरी बनाने में काफ़ी एफर्ट डालते हैं, काफ़ी टाइम लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो ट्रेसेस होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि उसकी फॉरगेटिंग कम होती है. इसी में अगर हम तीसरे रीजन को देखें, तो मेथड ऑफ लर्निंग भी यहाँ पे आ जाता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं, किसी की मेमोरी बना रहे हैं, तो आप वहाँ पे मतलब पार्ट में उसको पढ़ रहे हैं, या एक साथ पढ़ रहे हैं, किस तरीके को आप फॉलो कर रहे हैं, इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं, या फिर सिर्फ आप रोट लर्निंग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आपकी फॉरगेटिंग कितनी होगी. उसके अलावा हम चौथे रीज़न पे जाएं, तो नेचर ऑफ लर्न मटीरियल, नेचर ऑफ मटीरियल,
तो नेचर ऑफ मटेरियल वही हो गया कि जो मटेरियल है, वो जो कंटेंट है, उसका क्या नेचर है, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, नहीं है, या फिर वो जो मटेरियल है वो कॉम्प्लेक्स है, इजी है, किस तरीके का है, उस पर भी फॉरगेटिंग डिपेंड करती है। इन्हीं के साथ में जो एक इम्पॉर्टेंट हम मानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे हम पढ़ने आज जाएंगे, जो उसका रीजन है फॉरगेटिंग का, वो है रिटेंशन इंटरवल का, रिटेंशन इंटरवल। तो रिटेंशन इंटरवल के जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस रिटेंशन इंटरवल के दौरान काम करते हैं, और इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें फॉरगेटिंग हो जाती है। अब सबसे पहले रिटेंशन इंटरवल क्या होता है, जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो उसको फिर हम जब रिकॉल करते हैं उसके बीच में, मतलब किसी चीज को याद करने, उसके मेमोरी बनाने और उसके रिकॉलिंग के बीच का जो समय होता है वो होता है रिटेंशन इंटरवल, जिसको हिंदी में हम धारण अंतराल भी बोलते हैं। तो इस धारण अंतराल के दौरान कई बार ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से हमें फॉरगेटिंग हो जाती है। अब वो परिस्थितियां क्या हो सकती है, रिटेंशन इंटरवल के दौरान हो सकता है कि आपने जो ओरिजिनल टास्क सीखा था उसको रिकॉल करने के बीच में आपने कुछ ऐसा टास्क करा या ऐसी कोई नई चीज़ें सीख ली जिससे आपका जो ओरिजिनल टास्क था उसकी जो लर्निंग, उसकी जो आपकी मेमोरी थी वो वीक हो गई, या उसकी मेमोरी ट्रेसेस वीक हो गई, या उनमें कुछ ऐसी इंटरफेरेंस या अवरोध आ गया जिसकी वजह से आपका जो ओरिजिनल टास्क है उसकी मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे हम मानते हैं कि जो रिट्राइवल इनहिबिशन, सॉरी रिट्राइवल इंटरवल, या सॉरी रिटेंशन इंटरवल से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं वो दो, उसके अंदर हम दो तरीके की फॉरगेटिंग के कारण मानते हैं। एक हम मानते हैं रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, और दूसरा हमारा होता है प्रोएक्टिव इनहिबिशन। तो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन जो होता है इसको आरआई बोलते हैं, रेट्रोएक्टिव को हिंदी में पूर्व लक्ष्य अवरोध बोलते हैं। अब पूर्व लक्ष्य अवरोध का मतलब होता है कोई आपने ओरिजिनल टास्क सीखा और उसका जब आप रिकॉल करने वाले हैं उससे पहले, उसके बीच में, मतलब कोई टास्क सीखने के बाद आप कोई नया टास्क सीख रहे हैं तो वो टास्क जो है आपके पुराने सीखे गए टास्क में अवरोध बना रहा है, यानी कि इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है, और उसकी वजह से आप उस टास्क को जब दोबारा उसका रिकॉल करते हैं तो आप उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो हम उसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, आरआई, या पूर्व लक्ष्य अवरोध। उसी की जगह दूसरा होता है प्रोएक्टिव इनहिबिशन, जिसको हम अग्र लक्ष्य अवरोध बोलते हैं। अगर लक्ष्य अवरोध का मतलब है कि आप जो टास्क सीख रहे हैं उससे पहले आपने कोई ऐसा टास्क सीखा है, या उससे पहले आपने कोई ऐसी गतिविधि करी है जो आपके नए वाला टास्क जो अब आप सीख रहे हैं उसमें बाधा पहुंचा रही है, तो उसको हम बोलते हैं अग्र लक्ष्य अवरोध। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं कि आपने मान लीजिए हिंदी भाषा आपने पहले से सीखी हुई है, ठीक है, आपको हिंदी भाषा आती है, उसके अलावा आपको कोई और भाषा आती है, तो उसके बाद जब आप इंग्लिश सीखने लगते हैं तो उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो आपकी जो दूसरी भाषा है उसको सीखने में थोड़ा अवरोध डालते हैं, आपको दिक्कतें करते हैं, तो ये आपका अग्र लक्ष्य अवरोध का उदाहरण हो सकता है। वहीं पर अगर हम रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन का अगर एग्जाम्पल देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप पहले स्कूटी ड्राइव करते हैं, नहीं सॉरी, अगर हम इस तरह से देखें कि आपने मान लीजिए मैथ्स की कोई क्लास अटेंड करी, मैथ्स की कोई क्लास आपने अटेंड करी और आपने मैथ्स पढ़ी, उसके बाद आप जस्ट हमने उसके बाद आपका एग्जाम लेना है मैथ्स की क्लास का, लेकिन उस बीच में क्या किया आपने एक स्टैटिस्टिक्स की दूसरी क्लास कर ली जो कि मैथ्स से जुड़ी हुई थी काफ़ी, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें थी जो कि आपके माइंड में प्रेशर डाल रही थी जो मैथ्स के फॉर्मूलों के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं। तो उस स्थिति में जब आपसे दोबारा मैथ्स की क्लास का टेस्ट लिया जाएगा तो आप स्टैटिस्टिक्स की जो आपने नई क्लास पढ़ी थी, नए कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, वो हो सकता है वहाँ पे आपके उस क्लास के जो कॉन्सेप्ट थे उनके साथ इंटरफेरेंस करें और आपकी जो पुरानी मेमोरी थी उस क्लास की उसमें एक बाधा उत्पन्न करें, उसकी रिकॉलिंग सही से ना करवाने दें, तो उसको हम कहेंगे रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। तो ये होगी रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन की बात। अब रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन जो होता है इसके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें अधिकतर, जैसे आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें आपका रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन का प्रैक्टिकल भी है, तो उसमें अधिकतर क्या किया जाता है, उस प्रैक्टिकल में हम एक दो कंडीशंस रखते हैं जिसमें कि एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। अब इसमें आप आ जाते हैं ओरिजिनल लर्निंग, उसके बाद आपका यहां पे आ जाएगा इंटरपोलेटेड उसके बाद
बाद यहाँ पे आएगा आपको। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा और कंट्रोल ग्रुप होगा, उन दोनों को एक कोई भी मटेरियल, अक्सर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वहाँ पे हम नॉनसेंस सिलेबल्स की एक लिस्ट देते हैं या फिर जो मीनिंगफुल सिलेबल्स होते हैं उनकी एक लिस्ट देते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सी लिस्ट अगर हम बात करें कि आपको हमने दे दिया रेड, क्लाउड, बॉल, पिंक, ग्रीन, इस तरीके की एक लिस्ट दी, वो प्रिपेयर करी, टेन जो वर्ड्स हैं उनकी हो सकती है। इस तरीके से नॉनसेंस सिलेबल्स को भी यूज किया जाता है। तो ये सीरियल लर्निंग का मेथड है, यानी आप सीरियल में लर्न करा रहे हैं किसी चीज़ को। मेमोरी के जब एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें कुछ और भी तरीके होते हैं, जिसमें पेयर्ड एसोसिएट मेथड भी यूज़ होता है और विभिन्न तरीके फ्री रिकॉल मेथड भी यूज़ होता है। लेकिन अगर हम यहाँ सीरियल लर्निंग की बात करें तो हमें सीरियल लर्निंग में क्या करना होता है कि जिस सीरियल में हमने जो आपको कंटेंट पढ़ाया है उसी सीरियल में प्रयोज्य को उसको याद करना होता है। तो ओरिजिनल लर्निंग में हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को और कंट्रोल ग्रुप को अगर हम बोलें कि एक लिस्ट याद करने को दी, जो कि लिस्ट ए हम कह सकते हैं। लिस्ट ए इन्होंने भी पढ़ी और लिस्ट बी ए इन्होंने भी पढ़ी, यानी कि दोनों ने लिस्ट ए पढ़ी। उसके बाद हम बीच में इसकी जो रिकॉलिंग करवाएंगे, उस रिकॉलिंग के बीच का जो समय होगा, उस समय में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम एक नई लिस्ट याद करने को दे देंगे, जो लिस्ट लिस्ट ए से डिफरेंट होगी लेकिन काफी मिलती जुलती भी होगी, मतलब उनमें समानता होगी एक स्तर की, लेकिन वो डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं है कि जो लिस्ट वही थी वही लिस्ट यहाँ पे भी दे दी, तो उसको हम लिस्ट बी बोल देते हैं। तो हमने इनको दे दिया लिस्ट बी, लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप है उसको हमने कोई लिस्ट नहीं दी, उस कंट्रोल ग्रुप को हमने यहाँ पे रेस्ट दे दिया इस टाइम पे। और उसके बाद हमने कुछ समय बाद, मान लीजिए 10 मिनट का हमने यहाँ पे समय दिया था या 5 मिनट का दिया था, उसके बाद हमने उसको रिकॉल कराया, तो इनको भी लिस्ट ए का रिकॉल कराएंगे और इनको भी लिस्ट ए का रिकॉल कराएंगे। तो इसमें जो अध्ययन हुए हैं उसमें क्या देखा गया कि जब ऐसा कंडीशन प्रिपेयर की जाती है, और हम जो प्रैक्टिकल करते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जब हम लिस्ट ए दोनों को सिखाते हैं या याद कराते हैं, इस पर इनको पूरी लिस्ट याद करानी होती है, मतलब जब तक वो पूरा याद नहीं कर लेते तब तक हम ट्रायल्स कराते रहते हैं, और वो याद कराने के बाद हम यहाँ पे दूसरी लिस्ट दे देते हैं, उसको याद कराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रिकॉल जब करते हैं तो देखते हैं कि लिस्ट ए जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो उतना बेहतर तरीके से नहीं रिकॉल कर पाता है जितना कि कंट्रोल ग्रुप कर पाता है, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप ने यहाँ पे रेस्ट किया था। तो इसके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हमने यहाँ पे एक बीच में एक एक्स्ट्रा टास्क दे दिया, जिसको हम कहते हैं इंटरपोलेटेड टास्क या फिर इंटरफेरेंस टास्क, यानी कि वो बीच में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है रिकॉलिंग में इसके मेमोरी ट्रेसेस को बनने के लिए। तो इस टास्क को हम बोलते हैं इंटरपोलेटेड टास्क। तो ये इंटरपोलेटेड टास्क जो है आरआई ज्यादा कर रहा है, यानी कि इससे क्या हो रहा है, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन हो रहा है, यानी कि जो नया सीखा हुआ टास्क है वो पुराने सीखे गए टास्क को रिकॉल करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसी तरीके से प्रोएक्टिव इनहिबिशन के भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, पर अभी हमें यहाँ पे सिर्फ आरआई की बात करनी है। अब हम बात करेंगे रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन जो है उसके क्या कारण होते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन के लिए हम मानते हैं कि उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है सिमिलैरिटी ऑफ टास्क। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि सिमिलर हम लिस्ट देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सिमिलर भी नहीं होगी, मतलब सेम लिस्ट नहीं होगी। तो हम जो एक्सपेरिमेंट हुए उनके आधार पर हम ये कहते हैं कि अगर जो सिमिलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा सिमिलर अगर टास्क होंगे तो उससे भी आपका इनहिबिशन ज़्यादा होता है, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज होते हैं या फिर जो जो ट्रेसेस हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर बहुत डिफरेंट ये होंगे तब भी हम इसको आरआई में मानते हैं कि तब भी आरआई ज़्यादा होगा। अगर मध्यम स्तर की इनमें समानता है तो फिर आरआई जो है वो एवरेज लेवल का माना जाता है। दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है वो है डिग्री ऑफ इंटरपोलेटेड लर्निंग, यानी कि जो हमने इंटरपोलेटेड टास्क दिया था उसको हमने कितनी मात्रा में याद कराया है। जैसे कि जो लिस्ट बी थी उसको हमने थोड़े ही प्रयास में याद करवाया, थोड़े ही प्रयास दिए उसके लिए या ज़्यादा प्रयास दिए, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन है वो कितना होगा। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे जिसमें कि एक मनोवैज्ञानिक ने जो अध्ययन किया था उसमें उन्होंने क्या किया था कि इंटरपोलेटेड टास्क को उन्होंने अलग अलग उसमें याद कराया, मतलब एक बार 5 ट्रायल देके याद कराया, 10 ट्रायल देके याद कराया, 20 ट्रायल देके याद कराया, फिर 40 ट्रायल देके याद कराया।
तो उन्होंने देखा कि जो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन था वो 5 ट्रायल फिर 10 ट्रायल में तो बढ़ता गया, यानी कि 5 ट्रायल दिए 10 ट्रायल दिए तो बढ़ता गया 20 ट्रायल तक रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन बढ़ा और उसके बाद 20 के बाद वो कम होने लगा। 20 से अधिक ट्रायल जब हमने दिए तो उन्होंने दिए तो उसके बाद वो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन का जो कर्व था वो डाउन जाने लगा, यानी कि उन्होंने ये पाया कि बहुत अधिक अगर हम प्रयास करते हैं इंटरवोलेटेड जो टास्क था उसको याद करने के या उसको सीखने के तो उससे क्या होगा कि जो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन है वो कम होगा। ऐसा क्यों होगा? इसके लिए उन्होंने ये बताया कि शायद जब हम इंटरपोलेटेड टास्क को बहुत ज़्यादा सीखते हैं तो हम उसकी ओवर लर्निंग कर लेते हैं और उस ओवर लर्निंग करने से क्या होता है कि वो जो लिस्ट है या फिर वो जो टास्क है वो बिल्कुल डिफरेंट आइडेंटिटी या डिफरेंट अपने को बना लेता है, जिससे कि फिर वो उतना ज़्यादा इंटरफ्रेंस क्रिएट नहीं करता है। फिर इसी में हम जब तीसरा इसी में जो हम तीसरा देखेंगे तो तीसरा पॉइंट है वो है नंबर ऑफ इंटरपोलेटेड टास्क। तो इसमें भी ये देखा गया है कि जितने ज़्यादा इंटरपोलेटेड टास्क दिए जाएंगे यानी कि उस जो धारण अंतराल है उसमें आप बहुत ज़्यादा अगर टास्क को परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरपोलेटेड टास्क अगर दिए जाते हैं तो उससे भी हमारा जो इनहिबिशन है वो बढ़ जाता है, यानी रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो ये था रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन और उसके कुछ कारण। अब हम बात करते हैं रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन की थ्योरीज की। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हम सिर्फ 2 थ्योरीज की बात करेंगे। सबसे पहली थ्योरी जो है वो है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी जो है बाधक सिद्धांत, आप इसको कह सकते हैं प्रतिरोध सिद्धांत भी कहा जाता है। इंटरफेरेंस थ्योरी ये मानती है कि इस दौरान कुछ इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, यानी कि जो धारण अंतराल है उस दौरान जो इंटरफेरेंस क्रिएट हुआ है उससे जो आपका RI है वो होता है। अब उसमें इसमें जो नाम आता है मेनली वो आता है मैग्यो ने इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने देखा था कि क्या होता है कि जब इस धारण अंतराल में कुछ कोई नया टास्क आता है या फिर हम उस धारण अंतराल में कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उससे 2 तरीके की चीज़ें हो सकती है, या तो वो फैसिलिटेट कर सकता है या तो वो इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है। तो जब वो इंटरफेरेंस क्रिएट करता है तब हमें फॉरगेटिंग होता है या फिर हमें रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन होता है। और इसके लिए उन्होंने एक अपनी हाइपोथेसिस दी थी जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस। इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस के जरिए उन्होंने ये बताया कि अधिकतर क्या है कि जो अधिकतर मनोवैज्ञानिक है पहले मान रहे थे कि सिर्फ इंटरफेरेंस हो जाने से या डीके हो जाने से, मतलब समय अंतराल अगर बढ़ जाता है तो उस समय हमारे जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं वो डीके हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें फॉरगेटिंग होने लगती है, या फिर यहाँ पे सिर्फ इंटरफेरेंस क्रिएट होता है इसकी वजह से ही हमें फॉरगेटिंग होते हैं। तो मैग्यो ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे फॉरगेटिंग हो रही है, बल्कि इन्होंने बोला कि जब हम एक ओरिजिनल टास्क को सीखते हैं और उसके बाद हम एक इंटरपोलेटेड टास्क को सीखते हैं तो क्या होता है, उस इंटरपोलेटेड टास्क और के बाद जब हम ओरिजिनल टास्क को रिकॉल करते हैं तो उससे जो इस ओरिजिनल टास्क के जो जो भी हमने पद याद किए होते हैं, जो भी आइटम्स याद किए होते हैं और जो इंटरपोलेटेड टास्क के हमने आइटम याद किए होते हैं ये आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं। मतलब जब हम इसको रिकॉल कर रहे होते हैं तो दोनों के जो आइटम जिनको हम रिकॉल कर रहे हैं वो आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं, जिसकी वजह से हम ओरिजिनल टास्क के कुछ पदों को याद कर लेते हैं लेकिन उसमें से कुछ पदों की जगह कुछ इंटरपोलेटेड टास्क के जो पद हैं वो ऊपर आ जाते हैं और वो हमें इसके साथ फिर मिला देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि इंटरफ्रेंस मतलब हम जब ओरिजिनल टास्क को लर्न करेंगे तो उसमें कुछ तो हम इसके पदों को याद करेंगे लेकिन कुछ पद यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन थ्योरी। यानी कि इसको उन्होंने बोला था कि कॉम्पिटिशन ऑफ रिकॉलिंग थ्योरी एक तरीके से, यानी कि रिकॉलिंग के टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं, जो इसके पद हैं वो उनके ट्रेसेस आपस में कॉम्पिटिशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके अलावा इन्होंने इसमें 3 फिनोमेना बताए थे मैग्यो ने। जिसमें कि इन्होंने पहला बताया था ओवर्ट इंटरलिस्ट इंट्रूजन, दूसरा उन्होंने बताया था ओवर्ट इंट्रालिस्ट इंट्रूजन
और तीसरा उन्होंने बताया था कोवर्ट इंट्रूजन, यानी कि जब ये कंपटीशन चल रहा है रिकॉलिंग के टाइम पे जो पदों के बीच में उनके ट्रेसेस के बीच में कंपटीशन चल रहा है तो उसमें ओवर इंटरलिस्ट इंट्रूजन में क्या होता है, इंटरलिस्ट यानी कि जब हम यहाँ पे दो लिस्टों को दे रहे थे इसलिए हम लिस्टों की बात कर रहे थे, जैसे कि हमने एक आपके ओरिजिनल लिस्ट दी थी, ओरिजिनल टास्क दिया था, और एक हमने इंटरपोलेटेड लिस्ट दी थी जिसमें हम इंटरपोलेटेड टास्क बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरलिस्ट में क्या हो रहा है, इस टास्क के जब हम पदों को याद कर रहे हैं तो इस टास्क के कुछ पद यहाँ पे आ जा रहे हैं, यानी कि वो मिक्स हो जा रहे हैं, यानी कि हमने जो सीरियल लर्निंग में चीज को याद किया था वो सीरियल लर्निंग में नहीं आ पा रही है क्योंकि कुछ पद यहाँ के भी यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं, जिसको उन्होंने कहा कि ये वाले जो पद है यहाँ पे इंट्रूजन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वो जबरदस्ती घुसपैठ कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसको उन्होंने बोला ओवर्ट इंटरलिस्ट इंट्रूजन। दूसरा है ओवर्ट इंट्रालिस्ट इंट्रूजन, जिसमें कि हम बोलते हैं इंट्रालिस्ट है इसका मतलब कि एक ही लिस्ट को जब हम, ये तब होता है ये फिनोमेना जब हम सीरियल लर्निंग के मेथड को फॉलो कर रहे हैं, यानी हमें सीरियल लर्निंग करवानी है, जिस सीक्वेंस में हमने याद करवाया था उसी सीक्वेंस में हमें उसको रिकॉल करवाना है, तो उस समय क्या होता है कि आपस में ही ये जो पद है ये या तो ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, मतलब आपस में उनकी सीरियल लर्निंग नहीं हो पा रही है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर्ट इंट्रालिस्ट इंट्रूजन। उसके अलावा एक होता है कोवर्ट इंट्रूजन, कोवर्ट इंट्रूजन में जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इसमें जब जो व्यक्ति होता है या प्रयोज होता है जब वो लिस्ट को दोबारा से रिकॉल कर रहा होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जैसे हम कई बार होता है ना, हम याद कर रहे होते हैं चीज़ों को तो उसी समय हमें लगता है नहीं ये गलत है और हम एकदम से चुप हो जाते हैं, तो इसमें यही बताया गया है कि जब कोवर्ट इंट्रूजन होता है उस टाइम पे व्यक्ति उस चीज़ को रिकॉल करता है, उसे दूसरे लिस्ट का जो कोई पद याद आ जाता है और उसे लगता है कि नहीं ये गलत है, तो वो उस टाइम पे शांत हो जाता है, मतलब वो बोल तो नहीं रहा है लेकिन वो चुप हो जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो जो बोल रहा है वो गलत है। इसको एक मतलब शून्य की अवस्था भी बोला गया है इस स्टेज को, जहाँ पे वो शून्य की अवस्था में आ जाता है। तो मैगियो ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस के थ्रू ये बताया कि जो हम जब रिकॉलिंग कर रहे होते हैं तो जो आपकी लिस्ट के पद होते हैं या उनकी जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं वो आपस में कॉम्पिटिशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमें रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन होता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसमें, जिसमें कि इरविन भी आते हैं, और उन्होंने क्या किया, मेल्टन एंड इरविन ने इसकी थोड़ी आलोचना की, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है, हमेशा इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है कि हाँ उन पदों के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो और सिर्फ उसी इंटरफेरेंस की वजह से या उसी जो कंपटीशन है उसकी वजह से ही आपको रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन हो रहा है। तो इसका अपोजिशन करने के बाद उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी दी जिसको हम सेकेंड थ्योरी यहाँ पर पढ़ेंगे, वो है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी जो है वो आपका मेल्टन एंड इरविन ने दी है, तो मेल्टन एंड इरविन ने बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन से ही जो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन है इंक्रीज हो रहा है, बल्कि यहाँ पे एक और फैक्टर काम करता है। तो उन्होंने दो फैक्टर को यहाँ पे इंक्लूड किया, उन्होंने बोला कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया था और एक कंट्रोल ग्रुप लिया था, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को उन्होंने कुछ जो उन्होंने इंटरपोलेटेड टास्क याद करवाया, तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक बार उनको 5 ट्रायल दिए, फिर एक बार 10 ट्रायल दिए, फिर 20 ट्रायल में दिया, फिर 40 ट्रायल में दिया, तो उन्होंने ये देखा कि क्या हो रहा था कि 5, 10, 20 ट्रायल तक आते आते इसका जो RI का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पे हम ट्रायल्स को देख लेते हैं 5, 10, 20, 40, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे अगर हम रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन की जो मात्रा है उसको रखेंगे और यहाँ पे ट्रायल्स को रखेंगे, तो ट्रायल 5 ट्रायल पे ये बढ़ा, 10 ट्रायल पे बढ़ा, 20 ट्रायल पे बढ़ा, और 20 के आने के बाद ये कुछ नीचे को आने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये 20 के आने के बाद, मतलब यहाँ पे अगर कॉम्पिटिशन क्रिएट हो रहा है तो कॉम्पिटिशन, तो उन्होंने ये देखा कि अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो पदों के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है वो करीब 5 या 10 ट्रायल तक होता है, उसके बाद ये कंपटीशन नहीं होता है, उनके बीच में इस तरह का जो एक प्रतियोगिता होती है वो नहीं होती है, तो इस आधार पे तो यहीं से ये कर्व जो है डाउन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कर्व यहाँ तक बढ़ रहा है उसके बाद जाके डाउन हो रहा है, तो शायद यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर है जो इस पर काम कर रहा है। तो इसके लिए उन्होंने इसको दूसरा फैक्टर बताया, यानी उन्होंने बोला कि एक तो यहाँ पे रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन में कंपटीशन फैक्टर तो आ ही रहा है, और दूसरा यहां पे आ रहा है एक्स फैक्टर, मतलब जो दूसरा फैक्टर उन्होंने दिया उसको उन्होंने एक्स फैक्टर बोला, और उस एक्स फैक्टर को भी उन्होंने बोला कि ये फैक्टर जो होता है ये अनलर्निंग से रिलेटेड फैक्टर होता है,
एंड लर्निंग जो है उसको यहाँ पे एक्सटिंक्शन से जोड़ के देखा गया, यानी कि विलोपन से। तो ये दो फैक्टर उन्होंने अपनी टू फैक्टर थ्योरी में दिए। इन्होंने बोला कि हाँ कुछ पदों में जो कंपटीशन होता है उससे भी रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन होता है, लेकिन वो जो कंपटीशन होता है कुछ हद तक होता है, उसके बाद वो नहीं होता है। अगर उसके बाद वो नहीं होता है तो शायद यहाँ पे कुछ दूसरा फैक्टर है जो कि अनलर्निंग का फैक्टर है, और उस अनलर्निंग के फैक्टर की वजह से ये रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन का जो कर्व है वो वहीं से जाके डाउन हो जाता। तो इसके लिए उन्होंने जो एक्स फैक्टर का कर्व है वो भी दिया था, और कॉम्पिटिशन फैक्टर का कर्व उन्होंने बताया था ये कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था, और जो एक्स फैक्टर का कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ये हम एक्स फैक्टर का कर्व देख सकते हैं, ये जो कॉम्पिटिशन के कारक है उनकी वजह से जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था। तो अनलर्निंग के लिए उन्होंने बोला कि क्या होता है कि जब एक ओरिजिनल टास्क को हम लर्न करते हैं उसके बाद हम इंटरपोलेटेड टास्क को लर्न करते हैं, तो जो इंटरपोलेटेड टास्क को लर्न करने के साथ साथ क्या होता है, हम जब इसकी लर्निंग करते हैं मतलब इसको हम जब बार बार याद कर रहे होते हैं तो हमें इसके भी कुछ वर्ड्स याद आ रहे होते हैं। जब हम इसको याद कर रहे होंगे तो हमें इसके भी वर्ड्स याद आ रहे होंगे, लेकिन हम उस दौरान क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस टास्क को लर्न करना होगा तो हम इसके जो पद होंगे जो हमें याद आ रहे होंगे उनको हम पीछे कर देंगे। पीछे करने का मतलब है कि हम उसको रेनफोर्समेंट देने की बजाय हम उनको रेनफोर्स नहीं कर रहे हैं, अनरेनफोर्स एक तरीके से हम उनको कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये पद अनलर्न हो जाते हैं, यानी कि अनलर्निंग की स्टेज में आ जाते हैं या एक्सटेंशन की स्टेज में आ जाते हैं, जो कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग का एक कॉन्सेप्ट है उसमें भी हमने पढ़ा है कि एक्सटेंशन या विलोपन हो जाता है जब हम किस चीज की लर्निंग कर रहे होते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से ये दो फैक्टर इन्होंने बताए, और उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस एक्सटेंशन को इस तरीके से भी प्रूफ करने का प्रयास किया कि जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग का जब एक्सपेरिमेंट होता है उसमें एक टर्म आया था स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कुछ समय बाद अचानक से दोबारा उस चीज को जब देखा जाता है तो वो एकदम से याद आ जाती है, जिसको हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं, और वही घटना यहाँ पे भी हो रही थी ओरिजिनल टास्क के साथ, तो इसलिए भी उसको एक्सटेंशन से जोड़ के देखा गया। तो इस तरीके से ये टू फैक्टर थ्योरी दी गई, लेकिन इस टू फैक्टर थ्योरी की भी आलोचनाएं हुई, और उसमें देखा गया कि कई बार कि जो ये एक्स फैक्टर है इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, या फिर अगर ऐसा ही है तो बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको भी हम कैसे इग्नोर करें। तो जो अदर थ्योरीज आई थी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग से जुड़ी हुई, उन्होंने इसकी आलोचना की और बोला कि शायद इसी वजह से ही इंटरफ्रेंस की वजह से ही या फिर ये जो अनलर्निंग है इसकी वजह से ही ऐसा नहीं होता है। तो आज हमने देखा कि रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या होता है और रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन के क्या कारक हैं, उसके साथ में हमने उसकी दो थ्योरीज को पढ़ने का प्रयास किया। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।